अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करनी है इसमें, और ये लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3 गिवन है। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3 इक्वल टू 5, तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे फिर दूसरे को करेंगे। लॉग ऑफ 256 टू द बेस 4 इक्वल टू एक्स, तो फिर हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, वो हमने लिख लिया। तो ये लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3 इक्वल टू 5 है। तो जब हमने x फाइंड करना हो तो उसके लिए ये लॉग फॉर्म होती है, जब लॉग लिखा हो तो लॉग फॉर्म होती है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये दो चीज़ें जो हैं ये दो इनको इनकी जगह रिप्लेस कर देनी आपस में और लॉग ख़त्म कर देना। तो सबसे पहले लॉग हो गया ख़त्म, तो 5 इधर आ गया x की जगह और x उधर चला गया। तो अब ये देख लें, हमें पता है 3 की पावर 5 क्या होता है, 243, तो वो 243 आंसर आ जाएगा। ये इतना सा काम था इस पार्ट के लिए। तो अब हम इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी करते हैं, जस्ट लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो तरीका आपको इजीली आ जाएगा। तो अब हम जो है वो इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, उसमें क्या है, लॉग ऑफ 256 टू द बेस 4 है इक्वल टू एक्स। इसमें भी किस किस की जगह चेंज होगी आप खुद ही आइडिया लगा लें, 256 की और एक्स की। तो 4 आ गया ऊपर एक्स और 256 इधर आ जाएगा हमारे पास। अब 4 की पावर इधर एक्स है, इधर 4 की पावर है, तो उधर भी हम 4 की ही पावर फाइंड करेंगे। इधर 4 की पावर x थी, तो उधर 4 की पावर कितनी बनेगी, ये आपको याद होना चाहिए, वो 4 की पावर 4 होता है 256। अब ये देख लें, बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर भी आपस में इक्वल होती है। बेस सेम हो पावर आपस में क्या होती है, इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। इस तरीके से ये पार्ट नंबर 2 हो गए। अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे और वो देखते हैं कि उसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। उसमें भी ये देख लें, वही आ गया लॉग ऑफ, इसमें 5 और 1/4 और x इनकी जगह रिप्लेस होगी, तो 625 के ऊपर क्या आएगा, जब x से ज़्यादा वैल्यू हो तो ब्रैकेट लगा लेना ज़रूरी है, ब्रैकेट लगा लेंगे आसान हो जाएगा। ये 5 आ गया, अब 625 के फैक्टर निकाल लें, फैक्टर निकालेंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। 5 की पावर क्या आ जाएगा, 4, ऊपर क्या है 1/4x। अब ईद 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं हो तो क्या लिखते हैं 1। तो अब 4 से 4 काट रहे हैं तो वो काट जाएगा, तो 5 की पावर x 1 x, इधर 5 की पावर 1। अब नीचे वाली वैल्यू फिर सेम है, पावर हमेशा ऊपर क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ये पार्ट नंबर 2 देखने इतना इजी था, मतलब इस तरीके से हो गया। पार्ट 4 हम देखते हैं कि उसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आ गया लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 64 इक्वल टू -2/3, तो एक्स और -2/3 दोनों की जगह चेंज होगी, उधर वाले पूरे की होती चेंज, ओवर में वैल्यू, इसलिए ब्रैकेट लगा लिया हमने, इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास x। अब 64 के जो हमें पता है 64 जो है वो 4 की पावर 3 बनता है, 4 की पावर क्या बनता है 3, क्योंकि बाहर पावर ओवर में 3 थी, तो इसलिए हमने पावर 3 बना लिया। तो अब ये देख लें, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास 4 की पावर -2। 4 की पावर क्या बच गया, -2। पावर पॉजिटिव करने के लिए ये इधर भी एक्स को इधर भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई इशू नहीं, तो 4 नीचे जाके क्या हो जाएगी पावर प्लस में। तो अब पावर प्लस में होगी, तो अब हम आंसर निकाल लेते हैं, 1 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 1/16 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, होप कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।